फलों को छांटना एक कठिन काम है। जब आप बाजार में जाते हैं तो फलों को अच्छी कीमत नहीं मिलती है। इसका कारण है कि कभी कभी किसान फलों को अच्छे से छांट नहीं पाते और उन्हें बाजार में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं किसान भारती। इस बीच भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान द्वारा एक फ्रूट ग्रेडर विकसित किया गया है। इसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के फलों को छांट सकते हैं। खासकर गोलाकार सभी फसलों को अलग अलग आकार में छांट देता है। जाहिर है कि वैसे फलों को छांटने में आपको मशक्कत करनी पड़ती है, साथ ही श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस प्रकार ग्रेडर की सहायता से आपको कम लागत में काम मिलता है और लाखों रुपए की बचत भी होती है। यह मशीन 95 से 97% शुद्धता के साथ फलों की छटनी करता है और यह 1 घंटे में 5 टन तक फलों की छटनी कर सकता है। इस प्रक्रिया में फलों के खराब होने की संभावना बिल्कुल कम है। इस पूरी मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है, जबकि 1 किलो फलों को छांटने में 80 पैसे का खर्च होता है और 1 टन पर 0.30 किलोवाट बिजली खर्च होती है। इसके उपयोग की एक सफल कहानी मध्य प्रदेश के जोधपुर की है, जहां लगभग 65 एकड़ फार्म पर नींबू की ग्राइंडिंग इस मशीन के द्वारा की जाती है। इस फार्म पर एक संचालक श्रीधर पाटीदार का मानना है कि इसकी सहायता से लाखों रुपए की सालाना बचत होती है। वो बताते हैं कि 1,250 टन नींबू की ग्रेडिंग में एक व्यक्ति दिन में करीब 450 किलोग्राम नींबू छांट पाता है और 1,250 टन नींबू की ग्रेडिंग में करीब 11 से 12 लाख रुपए तक की कीमत आती है, जबकि मशीन द्वारा छटनी पर 8 घंटे रोजाना कार्य करने पर 32 दिन में 10 लाख रुपए की लागत में छटनी हो पाती है, जबकि 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार में नींबू का मूल्य भी अधिक मिलता है। तो आप खुद ही गणित लगाइए कि 1,250 टन नींबू की बिक्री में 60 लाख रुपए से अधिक बचत होती है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए किसान भारती। धन्यवाद।